हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में बात हुई थी उषा के फ़ैन हीटर की। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे उसको और उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसमें और किस तरह से हम उसको ऑपरेट करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और लास्ट वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स भी आए हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं। इवन कि मुझे यकीन नहीं हुआ एक कमेंट पढ़कर, पर किसी ने लिखा है कि 18 साल से वो इस हीटर को यूज़ कर रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी उषा की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है हीटर्स के मामले में। दोस्तों, इस हीटर के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 2250 रुपये से लेकर 2600, 2700, 2800 तक भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको मतलब कि थोड़ा सा वंडरिंग करना है, ढूंढना है कहाँ पे आपको ये सस्ता मिले, तो वहीं से आप इसे परचेज कीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मॉडल अलग है तो महंगा है, वो सेम ही मॉडल अलग अलग प्राइस पे आपको मिलते हैं। अमेज़ॉन पे भी प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा ढूंढ के कि जो लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाए। तो चलिए, समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है लॉक द डील की तरफ से। लॉक द डील बेसिकली एक ऐप है जिसमें हमें एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज देखने को मिलती है। अगर आप एक डीलर हैं, रिटेलर हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इस ऐप से आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। इस पे दोस्तों आपको हैवी डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, सीओडी की फैसिलिटी मिलती है, डोरस्टेप डिलीवरी आपको मिलेगी। तो यानी कि आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए और उसकी जितनी मर्जी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, ब्रांड्स की अगर बात करूँ तो एक्साइड, ल्यूमिनस, लिवगार्ड, अमेज, एमरॉन जैसे ब्रांड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हैवल्स, उषा, बजाज जैसे ब्रांड्स भी आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, स्पेशल ऑफ़र ट्यूसडे और थर्सडे को चलते हैं इस ऐप के ऊपर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इनका व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके किसी भी तरह की जानकारी प्रोडक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले इसके बॉक्स को ही देख लेते हैं। दोस्तों, बॉक्स के ऊपर लेबलिंग हो रखी है कंपनी की और प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, कितने वॉट पे ये चलेगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। उसी के साथ फ्रंट साइड में हीट कन्वेक्टर लिखा है, मॉडल की पिक्चर लगा रखी है, साइड में फिर से कंपनी के सारे एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए हैं। और अदर साइड पर आप देखते हैं, वहाँ पर इस हीटर के दोस्तों फीचर्स लिखे हुए हैं और मॉडल नंबर लिखा हुआ है HC812T। और नीचे जो उषा और प्रोडक्ट्स ऑफर करती है वो लिखे हुए हैं। और साइड में आप देख सकते हैं ISI मार्क ये प्रोडक्ट है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर दी हुई हैं। अब चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर थर्माकोल और पॉलीथीन में पैक है हीटर। तो सबसे पहले थर्माकोल निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि एक ही तरफ थर्माकोल है, दूसरी तरफ है नहीं, या तो टूट गया होगा या चलो एनीवेज। तो ये है इसका दोस्तों हीटर जो बॉक्स में से निकला है। पैकिंग मैं कहूँगा कि इतनी कोई ख़ास नहीं थी, बस ठीक ठाक ही थी। और हीटर जो है वो एक पॉली बैग के अंदर रैप हुआ हुआ है ये। तो चलिए इसको भी हटाकर देख लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया एकदम लुक है इसकी, ग्रे और ब्लैक, थोड़ा सा डार्क ग्रे है वो, ब्लैक भी नहीं है, तो बहुत अच्छी लुक है। और ये इसका मैनुअल है, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में सारा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं अब इस हीटर को। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हीटर बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। फ्रंट ग्रिल जो है ब्लैक कलर की है, यानी कि बच्चे वगैरह हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लीड जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, तो ऐसी कुछ नहीं है कि गर्म हो जाएगा प्लग या केबल गर्म हो जाएगी। फ्रंट ग्रिल की अगर बात करूँ तो ब्लैक कलर की ग्रिल है और अंदर आप देख सकते हो कि स्प्रिंग लगे हुए हैं और ये स्प्रिंग ही दोस्तों गर्म होते हैं और इनमें से होकर ही हवा निकलती है, यानी कि ये जो स्प्रिंग होते हैं ये हीट होते हैं। ऊपर हम देखेंगे तो ये रेड कलर का इंडिकेटर है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इंडिकेटर चलता है।
इसमें दोस्तों दो डायल बटन दिए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो जो राइट साइड वाला है वो अलग काम करता है, लेफ्ट साइड वाला उसका अलग काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करते हैं ये। अगर लुक की बात करूं तो डिसेंट लुक है, ऑफिस में भी आप रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपने कुछ भी मतलब इसे कवर नहीं करा, स्पेशली उस पर लिखा हुआ है डू नॉट कवर। प्लग की अगर बात करूं तो 16 एम्पेयर का पावर वाला प्लग है, लाइट में ये नहीं लगेगा। हाँ, इसका आप एक कन्वर्टर आता है वो लगा के यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आपको थोड़ा टिल्ट करना है ऊपर की तरफ, एयर फ्लो चाहिए, तो ये स्टैंड भी है इसका, इसको आप इस तरह से लगा के थोड़ा सा ऊपर को इसका मूव कर सकते हैं ताकि हवा जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होके जाए। और अगर जब इसको बंद कर देते हैं आप तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल मतलब सीधा आ जाता है पोजिशन में। इस पे अब बताता हूँ मैं दोस्तों, ये जो डायल बटन है ये थर्मोस्टेटिक डायल बटन है, ये टेम्परेचर सेट करने के लिए है। ये थर्मोस्टेटिक प्रोडक्ट है, इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद वो कट ऑफ करता है। और जो ये डायल बटन है तो ये इस पे एक जगह ऑफ लिखा हुआ है, और जहाँ पे ब्लू कलर पे डॉट है वो बेसिकली सिर्फ फैन चलाता है, हीटर नहीं चलाता है। तो जहाँ पे ये रेड के इंडिकेटर्स हैं तो एक जो सिंगल वाला पॉइंट है वहाँ पर ये कम हीट देता है, डबल वाले पे डबल हीट देता है। तो जब ये सिंगल पे चलता है तो 1000 वॉट पे चलता है, और डबल पे चलता है जब तो 2000 वॉट पे चलता है। उसी के साथ हैंडल दिया हुआ है इसको कैरी करने के लिए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और पीछे की तरफ अगर देखें तो पीछे भी कुछ ब्रांडिंग्स हो रखी हैं और मोनोग्राम लगा हुआ है उषा का, तो कोई भी तड़कती भड़कती लुक नहीं है, बिल्कुल बहुत ही डिसेंट लुक के साथ आता है। थर्मोस्टेट की सेटिंग्स के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं किस तरह से इसको आपने यूज़ करना है, और इस पर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि ये डायल बटन को किस तरह से आप यूज़ करेंगे तो जो हीटर है वो ऑटोमेटिक कट भी होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद। साइड से जब देखें तो साइड पे देखो तो वेंट के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ से बेसिकली ये हवा खींचता है और यहाँ से हवा खींचकर ये फ्रंट जाली की तरफ से थ्रो करता है, जो स्प्रिंग गर्म हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हवा गर्म होके बाहर आती है। अदर साइड पे भी वेंट है यहाँ से, यानी कि दोनों तरफ से हवा खींचता है और गर्म हवा फ्रंट से थ्रो करता है। नीचे की तरफ देखें तो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, तो लुक के मामले में बिल्कुल डिसेंट है। तो चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो प्लग हमने लगा दिया है वहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डायल बटन है, अभी ये ऑफ पर है, तो इसको सबसे पहले हम फैन मोड पे चलाएंगे। तो फैन मोड पे ये जब चल रहा है तो ये ब्लू वाला जो बटन है, ब्लू जो इसका इंडिकेटर है वो ये है बेसिकली इसका मार्क, यहाँ पे जब कोई भी आएगा इनमें से तो उस मोड पे ये चलता है। तो अभी ये सिर्फ फैन मोड पे चल रहा है और ये रेड इंडिकेटर आप देख सकते हो ब्लिंक हो गया, यानी कि ये ऑन हो चुका है, लेकिन अभी ये ठंडी हवा दे रहा है। यहाँ पे जो ये स्प्रिंग मैंने आपको दिखाए थे अंदर जो लगे हैं वो अभी हीटअप नहीं होने शुरू हुए हैं, अभी सिर्फ नॉर्मल ये हवा ब्लोर कर रहा है। तो जैसे ही अब हम इसको एक बार और घुमाएंगे तो ये रेड वाले पे जब आएगा ये सिंगल डॉट पे, तो अब इसके जो ये स्प्रिंग है वो गर्म होने स्टार्ट होते हैं, और अभी से देखो मेरे को फील हो रही है गर्म हवा आ रही है काफ़ी। तो अब ये 1000 वॉट पे चल रहा है फिलहाल ये हीटर, और अगर हमें ज़्यादा गर्म हवा की ज़रूरत है या कमरे में ज़्यादा मेंबर हैं तो हम इसको डबल वाले मोड पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसके और भी ज़्यादा हीटअप होते हैं और ये हीटर 2000 वॉट पर चलने लगता है, यानी कि जो लोड है वो 2000 वॉट लेता है। उसका मतलब होता है कि अगर ये हीटर 1 घंटा चलेगा तो 2 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, और अब बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा ये फेंक रहा है। और दोस्तों साथ में ये जो दूसरा डायल बटन है ये थर्मोस्टेट के लिए होता है, बेसिकली टेम्परेचर के लिए, तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए कमरे में तो हम इसको कम पे सेट कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुँच कर ये हीटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। इस पर हालांकि कोई रीडिंग नहीं है कि कितना टेम्परेचर है,
बट इन्होंने मार्किंग की हुई है लो और मैक्सिमम की, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर वो मेंटेन करेगा और उसके बाद फिर वो कट ऑफ करेगा। तो इसको आप अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से आपने यूज़ करना है रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सिंगल पॉइंट पर ही चलाएं तो भी बहुत अच्छे से काम करता है। मैं हमेशा इसको सिंगल पे ही चलाता हूँ। और अभी जैसे कि ये हीटर चल रहा है, आप मुझे बताइएगा कि कितनी आवाज़ आपको फ़ील हो रही है, क्योंकि ये बहुत साइलेंट चलता है, पता भी नहीं लगता है अगर दो बंदे बात कर रहे हों तो कमरे में कोई हीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले और भी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।